और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। स्वरूपगंज कस्बे के गायत्री आश्रम में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार फाउंडेशन तत्वाधान में नारायण लाल पुरोहित ने जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। जूडो भारत का राष्ट्रीय खेल है। स्वरूपगंज में जूडो कराटे टूर्नामेंट से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन रेंशी राजकुमार मनोरिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मार्शल आर्ट की शुरुआत भारत से हुई। महर्षि परशुराम को इस खेल का जनक माना जाता है। भारत में इस समय के साथ साथ इस खेल की ओर जनता का रुझान भी बढ़ रहा है। मैं सर राजकुमार मनोरिया, डायरेक्टर फॉर नॉर्थ इंडिया कुडो, प्रेसिडेंट फॉर राजस्थान कुडो मार्शल आर्ट्स। कुडो का मीनिंग है द वे टूवर्ड्स द पीस, शांति की तरफ एक रास्ता। पर शांति और खुशियाँ बिना मजबूती के, बिना सॉलिड उसके नहीं मिलती है। इसलिए हम पूरी पीढ़ी को, जो कमिंग जनरेशन है, सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और हम गवर्नमेंट से भी रिकमेंड करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के लिए मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी बने। क्यों? क्योंकि ये एक डिसिप्लिन देती है, एक अनुशासन देती है, ये मजबूती देती है, निडरता देती है, एक ऐसा हौसला देती है जो चैलेंजिंग एटीट्यूड बनाता है। और जब जीवन के संघर्षों के अंदर अगर किसी का चैलेंजिंग एटीट्यूड है और वो निडर है, तो वो उन सारी कठिनाइयों का मुकाबला बहुत हौसले से कर सकता है और उसे जीत सकता है, और हारने पर भी वो उसे सीख कर आगे की जीत सुनिश्चित कर सकता है। कुडो मार्शल आर्ट्स केवल और केवल फाइटिंग स्टाइल नहीं है, ये आत्मरक्षा की ऐसी कला है जहाँ पर अपने दुश्मनों को या अपनी दुश्मन प्रवृत्तियों को नेस्तनाबूत किया जा सकता है, फिनिशिंग पॉइंट्स पे ले जाया जा सकता है। कुडो नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर है, शामिल हो चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स का बेनिफिट भी।